तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ बम यहाँ पर आ रहे हैं अभी। हर हर महादेव, हर महादेव। अच्छा कहाँ से हैं आप लोग? मैं कलकत्ते से हूँ। अच्छा कितने बम आप लोग जो है एक साथ में भी चल रहे? सात बम चल रहे हैं। सात बम चल रहे हैं। अच्छा ग्यारह बम। कितने सालों से आप लोग का यात्रा हो रहा है? हम इस यात्रा में 1995 से हैं। अच्छा तो इसके दरमियान में जो है बहुत कुछ चेंजिंग भी देखने को मिला होगा, क्या क्या बदलाव हुआ अभी? यहाँ तो हर समय बदलाव होता है। अच्छा बाबा की बहुत बड़ी असीम कृपा है कि हम लोग जो चलते हैं, जब कुछ नहीं था तब भी चलते थे, रास्ते में गड्ढा उतरना चढ़ना, और आज भी यही हालत है। अभी जितना सुधार हो रहा है उतना कम है। अच्छा इस गर्मी में जो है आप लोग कितना बजे से कितना बजे यात्रा भी कर रहे हैं? 3 बजे उठने के बाद हम लोग चलते हैं, फिर 8 बजे 9 बजे गर्म हो जाता है, फिर 4 बजे के बाद फिर चलते हैं। चलिए हर हर महादेव। ये आपका नवाड़ी गांव है जहाँ पे हम लोग अभी कांवरियों से बातचीत कर रहे हैं, और ये लोग जो है महीनवारी बम है जो कि हर एक महीना चलते हैं, 12 महीने चलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आगे में जो है बहुत सारा बम अभी आगे जा रहे हैं, और यहाँ पे 2 बम जो है इधर रुके हुए हैं। चलिए बम आपका यात्रा मंगल में हो, 80 नंबर दे दो। चलिए देख सकते हैं ऐसा कुछ जो है बम लोग का अभी यात्रा हो रहा है, और पूरा जो है अभी कांवरिया पथ आपको दिखाते हुए जा रहे हैं, यानी कि पूरा इस मई महीना का क्या कुछ अपडेट है, यानी कि 1 महीना के बाद और तैयारी भी शुरू हो जाएगा। तो लगातार आप लोग को अभी जो है बाबा धाम का अपडेट मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया तो कर लीजिए और लगातार देखिए। तो अभी आपने देखा कुछ बम यहाँ पे मिले हुए थे और उनसे बातचीत हुआ, और फिर से जो है कांवरिया पथ आपको दिखाते हुए जा रहे हैं, और संध्या 6 बज चुका है और इस समय जो है बम लोग काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उनसे बात करके जो है उनका जो जानकारी है, जो उनका अनुभव है वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ इधर का दृश्य है नवाड़ी गाँव का, और यहीं पर बगल में आपका ठनठनिया धर्मशाला भी था जो कि आप लोग देखे हुए हैं कई सारे वीडियो में, और इस बार नहीं दिखा पाए थे। बम लोग आगे में और देखने को मिल रहा है, अभी आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए कुछ बम यहाँ पे अभी विश्राम करने के लिए जो है अपना जल को कांवर स्टैंड में रखे हैं, और कांवर को, और फिर से जो है ये लोग रात में यहाँ पे स्टे करेंगे, और नेक्स्ट डे यानी कि कल सुबह मॉर्निंग में ये लोग जो है निकलेंगे। तो इस प्रकार जो है यात्रा होता है, 2 से 3 दिन में लोग जो आराम आराम से कांवर यात्रा करते हुए, पैदल यात्रा करते हुए जो है पहुँच जाते हैं। तो आप लोग अगर पहली बार आने के लिए सोच रहे हैं तो आप लोग को बता दें कुछ इसका नियम जो है, जो डाक बम आते हैं उनका कुछ अलग परिश्रम होता है, 24 घंटे के अंदर जो है उनका जलार्पण करना होता है, तो उनको जो है शरीर में जो है अलग ही प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा जो है उनका थकान भी हो जाता है। और जो बोल बम की यात्रा करते हैं उनका जो है 3 से 4 दिन के अंदर आप आराम आराम से रुक करके जो है अपनी यात्रा को पूरा करें, और जहाँ पर आपको थकान लगे तो वहाँ पे रुक जाइए आराम से, जो है धर्मशाला में किसी दुकानों में जो आप रेस्ट कीजिए, और फिर से जो है नेक्स्ट डे अपना जो है यात्रा को पूरा करें। डाक बम की यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं तो अपना जो है 1-2 महीना पहले से खाली पैर चलने का प्रयास करें, ताकि आपका जो है अनुभव रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, उसमें जो है आपको यहाँ पर इस पथ पर चलने में दिक्कत नहीं होगा। और ये कांवरिया पथ दोनों साइड से देख सकते हैं कितना हरियाली है, और ज़्यादा जो है इधर वृक्ष लगना चाहिए, अभी झारखंड सरकार ये चीज़ ध्यान दे। और आप लोग पिछले वीडियो में देखेंगे कि इस जगह पे जो है पूरा रोड को जो है प्लान किया जा रहा था, लेकिन आप लोग को बता दें इसमें जो है पाइप डाला जा रहा था, सावन में जो कांवरिया आते हैं उनको जो है एकदम स्वच्छ पानी पेयजल के लिए जो है एकदम पूरा प्रोवाइड कराने के लिए जो है इस प्रकार पूरा तैयारी चल रहा था, जो कि आप देख सकते हैं मिट्टी वगैरह जो इधर जो खोड़ा गया है, यानी कि नीचे में जो है पाइप डाला गया है पेयजल के लिए। तो इस बार जो है 2024 का जो सावन आ रहा है इसमें बहुत कुछ जो है पहले से जो है इम्प्रूव किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं सारा तैयारी जो है एकदम तंदुरुस्त होने वाला है एकदम, और इस बार पानी का जो सुविधा है वो नेक्स्ट लेवल का होगा, तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और ये देखिए ग्रामीण इलाका पूरा इधर आप लोग को दिखा रहे हैं किस प्रकार जो है लोग आराम से यहाँ पे अपने घर के जो बगल के रहते हैं इस कांवरिया पथ पे, वो जो है लगातार सेवा करते हैं, बहुत लोग दुकानें भी लगाते हैं, तो इस तरह का जो है लगातार यहाँ पे चीज़ें आप लोग को देखने को सामने मिलेगा। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लगभग दुम्मा बॉर्डर के करीब हैं, और जहाँ पे कांवरे का जो गिनती होता है वो चीज़ जो है कुछ ही दूर है, जो कि आप लोग को दिखाने वाले हैं। और इधर देखिए दुकान वगैरह जो है इधर बनेगा और ज़्यादा, जो कि अभी से ही जो है इसका तैयारी पूरा चल रहा है, यानी कि पूरा दीवार वगैरह भी खड़ा हो रहा है, और सारा सुविधा जो है लोग धीरे धीरे यहाँ पे कांवरिया पथ में देने का जो है प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे कांवरियों का गिनती होता है, और यहाँ पे लगभग 10 काउंटर रहता है जहाँ पे लोग को जो है अलग अलग लाइन में लग करके जिस प्रकार भीड़ होता है उस प्रकार यहाँ पे काउंटिंग भी किया जाता है। आपका वही मान्यता रहता कि जो है उसमें गिनती होता है कितने कांवरिया जो है यहाँ पे विजिट किए हैं। और एक चीज़ सबसे बड़ा इंप्रूव जो है मुझे अभी देखने को मिला इस ऑफ सीजन में, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पूरा लाइटिंग लग चुका है, ये देखिए सोलर प्लेट लाइटिंग, जो कि इस बार सावन से पहले जो है सारा सुविधा यहाँ पे हो चुका है। तो ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, देख सकते हैं आप लोग ये होना चाहिए, क्योंकि इस कांवरिया पथ पर जो है 12 महीना यात्रा होता है, और कांवरिया जो है रात में भी जो है चलते हैं, इसीलिए जो है जगह जगह पर इस प्रकार जो हर जगह पर सुविधा लाइट का होना चाहिए। कांवरिया लोग हमेशा
हमेशा इस चीज़ को जो है शिकायत करते हैं कि पानी का सुविधा और जो है लाइट का जो सुविधा है हमेशा रहना चाहिए 12 महीना। तो उसी को देखते हुए जो है यहाँ पे पूरा काम चल रहा है और आप देख सकते हैं इधर जो है पानी का सुविधा जो है लगभग 57 तक हो जाएगा और पूरे 12 महीना जो है अब से 2024 के बाद से जो है लगातार आपको मिलेगा। तो ऐसा जो है यहाँ पे हम लोगों को बदलाव देखने को मिल रहा है झारखंड में। और ये देखिए बिहार का दुमा बॉर्डर जो कि यहाँ पे आ जाने के बाद जो है श्रद्धालुओं में एक अलग ही खुशी मिलता है कि। तो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को नवाडीह से लगभग काफ़ी सारे कांवरियों से मिला और पूरा कांवरिया पथ दिखाते हुए दुमा बॉर्डर पहुँच गए और इस वीडियो को जो है यहीं पे क्लोज करते हैं। कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और बहुत सारा डिमांड भी आप लोग का आ रहा है कि लगातार जो है वीडियो दिखाते रहिए, तो जो है प्रयास हम लोग का रेगुलर रहेगा। देखिए क्या कुछ होता है, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करके रखिए क्योंकि बाबा धाम का अपडेट जो है लगातार हम देते रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हर हर महादेव, जय शिव, जय भोले बाबा।